हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले दोनों वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में एसिड के बारे में पढ़ाई करी थी, दूसरे लेक्चर में हमारा फोकस बेस पर था, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमको सॉल्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, सॉल्ट के बारे में अगर हम लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, तो पहले आपको एसिड और बेस के बारे में डिटेल समझना होगा। उम्मीद है कि एसिड और बेस के बारे में जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसे आपने देख लिया होगा, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब सॉल्ट के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं सॉल्ट होता क्या है। तो मैंने बताया था कि 7 से कम पीएच एसिड, 7 से ज़्यादा पीएच बेस और 7 पीएच वैल्यू वाला सॉल्ट कहलाता है। और ये बनता कैसे है? तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करे तो सॉल्ट बनता है, और इसके साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर। इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग लिख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब जैसा हम लोगों ने एसिड को बेस को क्लासिफाई किया था, उसके टाइप को हम लोगों ने समझा था, तो सॉल्ट का भी कुछ टाइप होता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लास 10th के CBSE ICSE में कुछ टॉपिक्स हैं सॉल्ट के, कुछ टाइप है जिसको आपको पढ़ना है, और कुछ टाइप ऐसे हैं जो आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है। तो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन मैं कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर में, डिटेल्ड के लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगा, वहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं सॉल्ट कितने टाइप का होता है। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, इसका टाइप तो बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी एसिड नहीं है और बेस नहीं है वो सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो बहुत इसका वैरायटी, वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक सॉल्ट का टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। द सेकेंड वन इज बेसिक सॉल्ट। तीसरा टाइप न्यूट्रल सॉल्ट, एक टाइप होता है न्यूट्रल सॉल्ट। चौथा टाइप है, इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। पांचवा टाइप है, इसको हम लोग डबल सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट का टाइप है, डबल सॉल्ट। द सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और भी होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट वगैरह बोल सकते हैं, इन सब का ही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोहर सॉल्ट है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेनली इतने के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोकस करते हैं। तो उसको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में समझने से, फिर इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। आप लोगों ने पहचानना भी सीख लिया था कि जो भी मिनरल्स एसिड होंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड वगैरह एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं। उसी तरह से जो मिनरल एसिड नहीं है वो वीक एसिड, नेचुरल एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड हैं, या ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड हैं। इसी तरह से बेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कली और कुछ हद तक एल्कलाइन, ये स्ट्रांग बेस होते हैं, और इनके अलावा जो बेस हैं वो सब वीक बेस हैं। तो इन एसिड बेस के मिलने से ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको समझिए कैसे बनता है सॉल्ट। पहले इस तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन करने से ही सॉल्ट बनता है। तो क्या हो अगर एसिड जो है वो स्ट्रांग हो, मींस एक स्ट्रांग एसिड और एक स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तो है तो रिएक्शन एसिड एंड बेस का ही, तो बनना तो सॉल्ट ही है। अब वो सॉल्ट किस तरह का होगा? तो जब एक एसिड स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, तो वो जो सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट हो जाता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर तो बनेगा ही अपना। इसी तरह से जब एक वीक बेस और एक वीक एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, तो भी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि दोनों वीक है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तीसरा टाइप है
कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन हुआ, तो देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस तो है ही, लेकिन बेस वीक है, तो बनेगा सॉल्ट ही, लेकिन वो सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्ट, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से जब एक वीक एसिड और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किया, समझ तो आप गए ही होंगे कौन सा सॉल्ट बनेगा, सो न्यूट्रल सॉल्ट, सॉरी बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बेसिक सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इस तीनों टाइप को हम लोगों ने समझ लिया। अब इन सब पर मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, HCl मिनरल एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और NaOH अल्कली है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों के रिएक्शन करने से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो हम लोग देखेंगे कैसे वो न्यूट्रल सॉल्ट है या सॉल्ट बनता कैसे है। सो जैसे ही ये एसिड है तो पहले तो ये आयन्स में ब्रेक होंगे, आयन में जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियस एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे, मतलब पानी में डिजोल्व करेंगे तो आयन में ब्रेक होगा, और इसका आयन क्या हो जाएगा, तो एक एच प्लस आयन और एक सी एल माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से NaOH भी आयनाइज होगा, अल्कली है आयनाइज होगा ये, और ये भी आयन में ब्रेक करके क्या बनाएगा, तो Na प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। अब आप जानते हैं एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक प्लस दूसरे माइनस के साथ और दूसरा प्लस दूसरे माइनस के साथ आपस में कंबाइंड हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, पहले H प्लस और Cl माइनस था, अब ये H प्लस OH के साथ रिएक्ट करके एक तो बना देगा H2O, और इसके साथ में Na प्लस और Cl माइनस मिल करके बन गया NaCl। तो ये NaCl जो है एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट बना किससे है, तो HCl और NaOH के मिलने से। अब HCl किस तरह का एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH किस तरह का बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, therefore NaCl will be a neutral salt, NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। समझ में आ गई बात, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, दो एसिड बेस दिया हुआ है तो उससे सॉल्ट क्या बनेगा, समझ गए। अब कुछ एग्जांपल ऐसा आपको बता दें कि कोई सॉल्ट ही दिया हुआ है तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सॉल्ट किस एसिड और बेस के रिएक्शन करने से बना होगा। जैसे कि एग्जांपल देख के समझाएं आपको, एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम लोगों ने लिखा है KCl पोटासियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, कैसे पता सॉल्ट है, क्योंकि इसके पास ना H प्लस आयन है ना OH माइनस आयन है, तो ये सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट किस एसिड बेस के रिएक्शन करने से बना होगा वो जानना है, साथ में हमको बताना है कि ये सॉल्ट किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो तो देखिए कैसे जानेंगे, सॉल्ट है इसको आयन में ब्रेक करिए, तो आयन में टूट के क्या बनेगा, तो के प्लस और सी एल माइनस। अब इसके साथ वाटर का भी तो फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर भी बनता है, तो वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ H2O का। अब H2O भी तो ब्रेक कर दें अगर इसको, तो ये भी तो H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। अब देखिए अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो जैसे K पर प्लस चार्ज है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को अट्रैक्ट करके क्या बना देगा, तो ये बन जाएगा KOH, और Cl माइनस है तो H प्लस को अट्रैक्ट करके क्या बन जाएगा, तो HCl, यानी कि HCl एसिड और KOH बेस के मिलने से ही KCl बना है। अब HCl किस तरह का एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, तो KOH अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट कैसा होता है, तो न्यूट्रल, तो देयरफॉर KCl इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, और वी कैन से दैट KCl इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल सॉल्ट। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, हम लोग को बताना है ये किस तरह का सॉल्ट है, कैसे बताएंगे, और साथ में ये भी बताना है कि किस एसिड किस बेस के मिलने से बना है ये, तो इसको पहले तो आयन में ब्रेक कर लीजिए, ये क्या आयन बनेगा, तो Mg पर 2 प्लस चार्ज, कैसे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए प्लस 2 चार्ज है, और सल्फेट आयन पर क्या चार्ज होता है, तो SO4 पर 2 माइनस आयन चार्ज होता है।
अब ये Mg प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि साथ में एक और रिएक्शन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये भी तो आयन में ब्रेक करेगा, तो ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब Mg 2 प्लस है तो ये दो हाइड्रोक्साइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो देयरफॉर मैग्नीशियम यानी बना है किससे, तो Mg OH के होल 2 से। साथ में SO4 पर 2 माइनस है तो 2 H प्लस चाहिए इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं H2SO4। अब H2SO4 और Mg OH होल 2 के मिलने से ये सॉल्ट बना है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन है, ये भी कंसिडर किया जाता है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस में ही, तो ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से सॉल्ट बना है, तो देयरफॉर दिस सॉल्ट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। अब हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल देख लिया न्यूट्रल सॉल्ट का, अब थोड़ा सा और भी टाइप का जैसे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट वगैरह भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब पहली बात तो ये बताइए कि ये सॉल्ट है या नहीं, तो ये सॉल्ट है क्योंकि इट डू नॉट कंटेन एच प्लस आयन, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नॉट कंटेनिंग ओ एच माइनस आयन, देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर एज अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट तो है, ये बात पक्की है। अब ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल, कैसे बताएंगे, तो पहले तो इसको हम लोग आयन में ब्रेक करेंगे, तो आयन में ब्रेक करिए तो ये क्या बनेगा, तो Ca पर 2 प्लस चार्ज और CO3 पर 2 माइनस चार्ज। अब ये Ca किस तरह के आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो OH माइनस आयन को, अभी मैंने सिखा दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये CaOH होल 2 प्लस CO3 किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये CO3 होल 2 माइनस है तो ये 2H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो H2CO3। अब H2CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, भले ही ये मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है, मैंने कई बार बताया है, तो ये वीक एसिड और ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ही कंसिडर किया जाता है, एल्केलाइन है ये, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से ये सॉल्ट बना, तो ये किस तरह का सॉल्ट होगा, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, समझ गए। और देखें कोई एग्जाम्पल हम लोग, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONa, हमको बताना है ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, कैसे बताएंगे, तो पहले तो उसको आयन में ब्रेक करिए, तो इसका आयन बनेगा CH3CO- और Na+। अब ये Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा, तो OH आयन को, तो NaOH, और CH3CO किसको अट्रैक्ट करेगा, तो H+ को, यानी ये बन गया CH3COOH। अब देखिए ये एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं हम लोग, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलने से कैसा सॉल्ट बनेगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलने से बनेगा बेसिक सॉल्ट, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया, समझ में आ रही है बात। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेट होने वाला सब्सटेंस है, तो इसके बारे में हम लोग को बताना ये किस तरह का सॉल्ट है, कैसे बताएंगे, तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, अमोनियम अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन को, तो ये बन जाएगा NH4OH, और क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, तो HCl। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलने से कैसा सॉल्ट बनेगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कोई एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। सो दो चार क्वेश्चन हम आपको दे दें, इसका आंसर आप जो है कमेंट, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करिएगा, ये बताइएगा कि ये किस तरह का सॉल्ट है। सो जैसे आपको बताना है कॉपर सल्फेट किस तरह का सॉल्ट है, CuSO4। जैसे आपको बताना है कि एल्युमिनियम क्लोराइड किस तरह का सॉल्ट है, इसको आपको बताना है। जैसे आपको बताना है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2, ये किस तरह का सॉल्ट है। जैसे आपको बताना है ZnNO3 होल 2, जिंक नाइट्रेट किस तरह का सॉल्ट है। तो जैसे आपको बताना है कैल्शियम एल्युमिनियम फॉस्फेट AL3AlPO4
एल्युमिनियम फॉस्फेट किस तरह का सॉल्ट है, तो ये सब सॉल्ट के बारे में आपको बताना है कि ये किस तरह का सॉल्ट है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए मुझे, मैं देखूंगा, अगर सही लगे तो मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक और टाइप मैंने बताया था हाइड्रेटेड सॉल्ट, अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट को समझने से पहले हाइड्रेशन का मतलब समझिए। आपने डिहाइड्रेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी, तो हाइड्रेशन मतलब वाटर ज़्यादा होना। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर कंटेन करता हो, तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन वाटर कंटेन करता है किसका, ये मतलब नहीं कि वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में, वो वाटर उसको एक शेप देता है, क्रिस्टल शेप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, अगर हम लोगों ने लिखा है CuSO4.5H2O, अब यहाँ पर डॉट में H2O है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे ही डॉट में H2O रहे तो यानी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल इसको गीला नहीं, वेट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको एक्वस फॉर्म में है ये सॉल्ट, ये वाटर मॉलिक्यूल का काम है इस सॉल्ट को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए सॉलिड दो तरह का होता है, एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे टेलकम पाउडर जो लगाने वाला पाउडर होता है वो भी एक सॉलिड है, और जैसे नमक का आप दाना देखते हैं, चीनी देखते हैं, यूरिया देखते हैं, वो भी एक सॉलिड है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। तो अंतर ये है कि पाउडर जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, उसका रेगुलर शेप नहीं है, एज नहीं है, स्मूथ नहीं है, सरफेस नहीं है, तो वो एमॉर्फस सॉलिड है। और जो नमक का दाना है, चीनी है, यूरिया है, ये सब जो है क्रिस्टल शेप होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ वाटर मिलाते हैं, और वो वाटर एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर ऐड करते हैं, जिससे कि उस एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टल शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट में डॉट फाइव एच टू ओ जो है, ये जो डॉट एच टू ओ है, तो ये इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक डेफिनेशन हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एमॉर्फस सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे ही इसको फिर आप गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद इसका फिर से वाटर ड्रॉपलेट जो है, ये जो वाटर है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, फिर ये एमॉर्फस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डॉट में जो H2O लिखा हुआ है इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और ऐसा सॉल्ट जिसके फॉर्मूला में डॉट H2O रहे दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, समझ गए एग्जांपल में। कुछ और एग्जांपल बताएं इसको, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग, CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम कहा जाता है। और भी कुछ देखें अगर हम लोग, FeSO4.7H2O ये जो है आपका ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है। सब में डॉट H2O लग रहा है, ध्यान रखिए ये वाटर नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस डॉट H2O का काम इसको एमॉर्फस से क्रिस्टल शेप देने में यूज करने में हो रहा है। और भी एक एग्जांपल देखें, आपने इसका नाम सुना होगा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये भी आपका क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यानी जब भी आप फॉर्मूला में डॉट H2O देखें तो समझ जाइए कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पानी नहीं है उसमें, वो वाटर का यूज जो हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्रिस्टल शेप में कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है। तो हम लोग समझ गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट समझ गए। नेक्स्ट टाइप है आपका एक सॉल्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, अब थोड़ा सा समझिए डबल सॉल्ट क्या होता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सॉल्ट पढ़ा था कि एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बना दे रहा था, जैसे NaCl है, जैसे KCl है, जैसे CaSO4 है, जैसे
सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, ये सब हम लोगों ने बता दिया था। ये सब सब सिंगल सॉल्ट है, एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। डबल सॉल्ट नाम से ही लग रहा है कि दो सॉल्ट का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग डबल सॉल्ट की गिनती में लाएंगे। जैसे एक पोटास एलम का नाम आपने सुना होगा, कॉमन आम बोलचाल भाषा में इसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 whole 3.24H2O। इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम, कॉमनली नोन एज फिटकरी। सेविंग के बाद लगाते हैं हम लोग, चाहे इसके बाद पानी को शुद्ध करने में यूज किया जाता है, वाटर को प्यूरीफाई करने में। तो इसमें देखिए तो K2SO4 एक सॉल्ट है, मतलब पोटासियम सल्फेट, फिर एल्युमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, और डॉट एस टू ओ का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो दो दो सॉल्ट प्रेजेंट रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, समझ गए। एक और एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 whole 2SO4.6H2O। मीन्स फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्साहाइड्रेट, इसको हम लोग मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 क्लास में आपको बहुत यूज होगा इसका। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं, इसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें सॉल्ट का दो मॉलिक्यूल और उसको कंबाइंड करने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहे, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो आप लोगों ने डबल सॉल्ट समझ लिया, हाइड्रेटेड सॉल्ट समझ लिया। एक और टाइप का सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। थोड़ा सा इसको भी समझ लें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखिए, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पढ़ने के लिए 12 क्लास में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां हम लोग पढ़ते हैं। एक कुछ बेसिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में आपको बता दूं मैं, तो डी ब्लॉक का मेटल जो है, मेटल और प्लस लिगेंड, ये दोनों मिलकर के जो बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब मेटल में कौन सा मेटल, तो ये डी ब्लॉक मेटल, और लिगेंड क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन एफिशियंट रहेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, तो जैसे हम लोग लिखते हैं Fe, तो ये एक डी ब्लॉक का मेटल है, और अमोनियम लिखते अमोनिया लिखते हैं NH3। तो अमोनिया के स्ट्रक्चर पर आप गौर करिएगा, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बॉन्डिंग वगैरह आप ज़्यादा 10th लेवल में नहीं समझ पाएंगे, डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन इसके साथ एक लोन पेयर भी बचा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये जब इसके साथ कंबाइंड होकर के एक सॉल्ट बनाएगा, तो उसको हम लोग कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। कुछ कम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको जैसे बताएं, K4FeCN whole 6। अब आपने 10th लेवल में इस तरह का फॉर्मूला नहीं देखा होगा। इस कंपाउंड का नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट 2 इस कंपाउंड का नाम है, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से एक और देखें फॉर्मूला, जैसे CuNH3 4SO4, मेटल लिगेंड इसमें भी है, तो इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। कहने का मतलब कैपिटल ब्रैकेट में लिखा रहता है, डी ब्लॉक का मेटल रहता है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस रहते हैं, इसको हम लोग लिगेंड, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। स्क्रीन पर कुछ देख लीजिए, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। 12 क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, जब मेरा 12 का कोई लेक्चर होगा उसको देख लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। आपके लेवल में काम का जो सॉल्ट है वो 4 है बेसिकली, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये किसको बोलते हैं। अच्छा, हाइड्रेटेड से याद आया, एक एनहाइड्रस सॉल्ट होता है। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही ना हो, जैसे नमक है, अब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो गीला हो जाएगा, तो एकदम ड्राई फॉर्म में रहता है, इसको एनहाइड्रस बोलते हैं हम लोग, मतलब इसमें वाटर दूर दूर तक प्रेजेंट ना हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ना ही रहे,
लेकिन वाटर बिल्कुल भी ना रहे उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एनहाइड्रस सॉल्ट है। तो आपने मेनली समझ लिया, आपको मेनली जो समझना है कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसके अलावा डबल सॉल्ट भी आप समझ ही गए होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ है। तो हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में लगभग डिटेल्ड स्टडी कर ली है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।